मसी के जलाली और पवित्र नाम में आप सबके सलामती हो जितने सामाइन नाजरीन मुझे देख रहे हैं खुदा का नहायत ही ममनून हूँ कि ख़ुदा ने आज ये मौका फराम किया कि उसकी हजूरी में उसके कलाम को पेश करने वाला बन सकूँ सबसे पहले खुदांद का उसके बाद पास्टर जॉन एडी का और सिस्टर रेचल जॉन का शक्र हूँ कि उन्होंने ये मौका बख्शा और पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि टेलीविज़न की पूरी टीम का कि ये मौका फराम किया कि हम खुदा के कलाम को बगौर सुन सकें और अपनी ज़िंदगियों पर उसको अप्लाई कर सकें आइए मेरे साथ निकाली का हवाला पहला तवारीख़ तवारीख़ की पहली किताब उसका सोलहवा बाप उसकी आठवीं आयत था बारहवीं आयत तवारी की पहली किताब सोलहवा बाप आठवीं था बारहवीं आयत ख़ुआ के कलाम में कुछ ही मरकुम है खुदा उनकी शुक्र गुजारी करो उससे दुआ करो कामों के दरमियान उसके कामों का इश्तहार दो उसके हजूर गाओ उसकी मदद सराई करो उसके सब अजीब कामों का चर्चा करो उसके पाक नाम पर फख्र करो जो ख़ुदा के तालिब हैं उनका दिल खुश रहे तुम खुदावंद और उसकी क़त के तालिब हो तुम सदा उसके दीदार के तालिब रहो तुम उसके अजीब कामों को जो उसने किए और उसके मुजज़ों और मुंह के आयन को याद रखो आज का मुकदस कलाम जो हमारी जिंदगियों के लिए तिलावत किया गया खुदावंद की शुक्रगुजारी करो यकीनन आप सब इस शुक्रगुजारी के लफ्ज़ को सुनकर समझ गए होंगे कि आज का जो हमारे लिए हमारी जिंदगियों के लिए टॉपिक है वो शुक्रगुजारी है शुक्रगुजारी करना एहसानमंद होना उसकी मोहब्बत को तस्लीम करना उसका ममनून होना या किसी भी शख्स का ममनून होना शुक्रगुजारी कहलाता है अगर कोई किसी का बहुत बड़ा काम कर दे जो उससे मुमकिन नहीं वो शुक्रगुज़ारी कहलाता है उसके एवज़ अगर वो काम हल हो जाए वो शुक्रगुज़ारी कहलाता है अब बात यह है कि शुक्रगुजारी किस तरह की जाए उसके अजीब काम का बयान कर कर हम खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी कर सकते हैं मसीही शुक्रगुज़ारी या खुदा बाप की शुक्रगुज़ारी उसके अजीब कामों का बयान करके हम उसकी शुक्रगुज़ारी कर सकते हैं खूबसूरत मंज़र को देख कर पहाड़ सूरज चाँद सितारों को देख कर हम खुदा का शुक्र अदा कर सकते हैं कि ख़ुदा तेरा शुक्र हो ए बाप तेरा शुक्र हो कि तूने हमें ये ख़ूबसूरत नज़ारे देखने को मुहैया किए हर एक बात में खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी कर सकते हैं दरिया पहाड़ देखकर सब मंज़र की तारीफ़ कर कर भी हम खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी कर सकते हैं और सबसे ख़ूबसूरत बात हम अपने चेहरे की तारीफ़ करके भी खुदा की शुक्र गुज़ारी कर सकते हैं कि खुदा तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे इतना ख़ूबसूरत बनाया आप या मैं खुदा के हाथ की कारीगरी हैं उसने हमें बड़े ही ख़ूबसूरती से सींचा उसने बड़े ख़ूबसूरत तरीके से हमें बनाया अपना दम हमारे अंदर फूंका ताकि हम जीती जान हों हम अपनी दी उसकी दी हुई सांसों के लिए हम उसका शुक्र अदा कर सकते हैं हर एक बात के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करो खुदावन का शुक्र अदा करें कि तूने मुझे अपनी शबी पर बनाया खुदावन तेरा शुक्र है कि तूने मुझे अपने अख्तियार बख्शा उसने जब बाग अदन में आदम और हवा को रखा तो उसने उसको सब जानवरों पर और जो कुछ बाग में मौजूद था उस पर इख्तियार इख्तियारख्शा हम उस इख्तियार के लिए खुदा उनका शिक्र अदा कर सकते हैं हम दी हुई जिंदगी के लिए खुदा उनका शिक्र अदा कर सकते हैं कि खुदा तेरा शिक्र हो कि तूने मुझे अपनी हमद के लिए ज़िंदा रखा और यकीनन हमें इस बात पर यकीन भी रखना चाहिए इस बात पर ईमान भी रखना चाहिए इस बात पर भरोसा भी करना चाहिए कि खुदावन ने हमें अपनी शुक्रगुजारी के लिए रखा और हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए बच्चों की परवरिश के लिए ज़िंदा रखा है इस बात के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि खुदा बहुत से बहुत सो बहुत से लोगों की औलाद ऐसी हैं कि तूने उनके सर से उनके माँ बाप का साया छीन लिया लेकिन तूने हमें बच्चों पर मुसलत की इस बात के लिए तेरे शुक्र अदा करते हैं ताकि हम उनकी निगेदाश कर सकें ताकि हम उनकी परवरिश कर सकें बेहतर तरीके से खुदा उनका शुक्र अदा कर सकते हैं कि उसने हमें मुआफ़ी का मौक़ा दिया वबाएँ वायरसेस बहुत लोगों के घर में घर कर गए हैं बहुत लोगों की जिंदगियों में उन वायरसेस ने उजाड़ पैदा कर दी है कोरोना वायरस जैसे वायरस और भी बहुत से वायरस डेंगी वायरस लेकिन हम इसलिए अभी तक सेहतियाब हैं हम इसलिए अभी तक बिल्कुल तंदुरुस्त हैं ताकि हम मुआफ़ी मांगें और उसका शुक्र अदा कर सकें कि उसने हमें मुआफ़ी का मौका बख्शा अपनी ज़िंदगियों तब्दील करें और श्रुज़ारी करें सारी नेमतों के लिए खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करें अगर आप जो आपको इनकम मिलती है जो मुझे इनकम मिलती है अगर हम अपनी इनकम से कुछ परचेज़ करते हैं तो उसमें हमारी कोई बढ़ाई नहीं वो इनकम हमें खुदा के जरिए मिलती है खुदा बाप के जरिए मिलती है जो हमें इस लाइक बनाता है ताकि हम वो चीज़ परचेज़ कर सकें वरना सब कुछ उसका है कला में लिखा है वो जिसको जो चाहता है देता है जिसको जो जिस भी उसका है और जो भी उसका है वो जिसको जो चाहता है फ़राम करता है देता है मुहैया करता है हमें नज़र आता है कला में मुकदस में काूब कुर्बानियाँ चढ़ा कर गुज़ारी करता था हिस्किया बादशाह कुर्बानियां चढ़ा कर गुज़ारी करता था लेकिन आज के दौर में आज के वक्त में खुदा यसूम सी के बाद हमें ये बकरों की बछड़ों की कुर्बानियाँ चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ज़ात खुद हमारे लिए कुर्बान हो गई ताकि हम बचाए जाएं उसने अपना खून बहाया ताकि हमारा खून ना बहेस बात के लिए भी उसकी शुक्रगुजारी करनी लेकिन कुर्बानियाँ हमें किस चीज़ की चढ़ानी लबों की कुर्बानियाँ होंठों की क़ुरबानियाँ दिल उसके हजूर उंडेल लेने उसकी नज़र कर देने दिल कुर्बान कर देने हैं हमें ज़बूर बानवे उसकी पहली से छठी आयत में ये आयत नज़र आती है कि कलाम मुक़दस में लिखे क्या ही भला है खुदा उनका शुक्र करना दानियल छठे बाप की दसवीं आयत में कहता है कि मैं घर का दरीचा खोल कर खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ और नज़र आता है कि वो घर का दरीचा खोल कर वो दिन में तीन मरतबा ऐसा किया करता था ख़ुदाम की शुक्रगुजारी करता था दुआ में वक्त गुजारता था जबूर तीस उसकी चौथी आयत में लिखा है गा कर खुदा की शुक्रगुजारी करो हम गा कर खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हैं अपनी औलाद को तो देख कर ख़ुदा का शुक्र अदा कर सकते हैं कि खुदाम तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे इतने खूबसूरत बच्चे दिए अपने चेहरे को देख कर उसकी शुक्रगुजारी कर सकते हैं खूबसूरत मौसम को देख कर ख़ुदा की शुक्र गुज़ारी कर सकते हैं जो मौसम चल रहा है बहुत गर्मी है अगर हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो हम नाशुक्र होते हैं हम जब मौसम को मद्देनज़र रखते हैं मौसम की तरफ हमारी निगाह पहुँचती है या हम अपने अंदर उसकी हीट को फील करते हैं तो हमारे मुँह से बरमला ये बात निकलती है कितनी गर्मी है याद रखें ये बहुत बड़ी जो नाश्री की बात है हम नाश्रे होते हैं हर मौसम ख़ुदा बाप ने हमारी कुत से कुत बर्दाश्त से बाहर नहीं बनाया हमारी बर्दाश्त से ज़्यादा नहीं हमें वो तकलीफ़ पहुँचने देता तो हर मौसम को देखकर चाहे गर्मी का आलम हो चाहे सर्दी हो हमें हर मौसम में ख़ुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करनी है हमें हर मौसम के लिए ख़ुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करनी है शिफा पाने पर खुदा उनकी शुक्रगुजारी करनी है औलाद के मिलने पर ख़ुदा उनकी शुक्रगुजारी करनी है हमें नज़र आता है कि खुदा यसु मसीह भी ख़ुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करता है वो जब अपने शागिदों के, के साथ मेज़ पर बैठता है तो लिखा है उसने शुक्र करके रोटी तोड़ी लेकिन आज जब हम खाने की मेज़ पर बैठते हैं तो हम क्या शुक्र अदा करके उस खाने को नोश फरमाते हैं नहीं बल्कि हम भूल जाते हैं कि वो किस किस प्रोसेस से होकर हमारे हल्क तक हमारे गले तक पहुंचा, या जो हमारे सामने जिस डिश में जिस ट्रे में वो रखा गया उस तक किस तरह से पहुंचा? पहले वो काश्तकार काश्तकारी करता है फिर मौसम जो है वो तब्दील होते हैं मौसम के वसीला से जो है वो फलों की बढ़ोती होती है या गंदम पैदा होती है तब जाकर कई दुकान पे आता है दुकान से फिर हम तक उस आटे की रसाई होती है और उस आटे को हम रोटी की तरह पकाकर बस खा जाते हैं लेकिन शुक्र अदा नहीं करते हमें यीशु की ज़िंदगी से ये बात सीखनी है यीशु मसीह की ज़िंदगी से ये बात सीखनी है जो हमारा नजात हिंदा है कि उसने भी रोटी शुक्र करके रोटी तोड़ी लेकिन हम क्या करते हैं यीशु मसी मत्ती ग्यारहवें बाब की पच्चीसवीं आयत में नज़र आता है कि वो खुदा का शुक्र अदा करता है और कहता है कि मैं हमद करता हूँ तूने ये बातें दनाओं और अक्लमंदों और बच्चों पर ज़ाहिर की शुक्र अदा करता है जब खुदा बाप जब उसकी साथ हम से हम कलाम होती है जब हम उसके जलाल के लिए इस्तेमाल होते हैं तो क्या हम उसका शुक्र अदा करते हैं हमें हर एक बात में शुक्र अदा करना है कलामस में लिखा है उठते बैठते चलते फिरते वक्त खुदा का शुक्र अदा करना है दाऊद कहता है कि शाम सुबह दोपहरा में फरियादा गुजारा वो तीनों वक्त खुदा उनको पुकारता है उसका शुक्र अदा करता है उसके सामने अपनी अल्तजाएं रखता है मुनाजाते रखता है क्योंकि उसका ईमान है कि यहां से मुहैया किया जाता है यहाँ से सब कुछ मेरी सारी दिली मुरादें पूरी हो सकती हैं और इसके इवज़ मुझे खुदा का शुक्र अदा करना है इसलिए वो कहता है क्या ही भला है खुदा का शुक्र करना खुदा उनका शुक्र करना हमें नज़र आता है कि दस कोड़ी जब खुदा यसुम सि उनको शिफा देते हैं तो उनमें से कितने वापस आते हैं एक वापस आता है क्योंकि वो उसकी अहमियत को जानता है वो जानता है कि जो शाफी मुझे शिफा देने को है वो कौन है वो आता है और उसका शुक्र अदा करते हैं और खुदा ये मसीह यहाँ पर गिला करते हुए नजर आते हैं कि बाकी नौ कहाँ हैं? ये लम्हा है फिक्रिया है क्या हम बाकी नौ की मानद तो नहीं हमें उस एक की मानद बनना है जो खुदा उनका शुक्र अदा करता है उस एक की मानंद बनना है जो खुदा उनके कदमों में गिर कर उसकी शुक्रगुज़ारी करता है खुदा ने हम सबों को बहुत से टैलेंट्स से नवाजा है कोई गा कर खुदा उनकी शुक्र गुज़ारी करता है कोई बजा कर खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता है कोई कलाम की मुनादी करके ख़ुदा उनकी शुक्रगुजारी करता है कोई गवाही के ज़रिए ख़ुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करता है शुक्रगुज़ारी करने के बहुत से तरीक़े हैं बहुत से तौर तरीके हैं शुक्रगुजारी करने के हमें हर लम्हा तरीका बत तरीका तरह खुदावन की शुक्रगुजारी करनी है गवाही देने से ना शर्माए ना गवाही देने से जब कहा जाता है जब जिंदगी में मौजज़ा उजागर हो जब ज़िंदगी मुआजात से भरी हो और आपकी ज़िंदगी गवाहियों से भरी हो तो सामने आने से ना शर्माएं, बल्कि बुलंद आवाज़ से खुदा उनकी तारीफ़ करें उसकी तमजीद करें और कहें खुदा तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे शिफा बख्शी खुदा उन तेरा शुक्र हो कि तूने मेरे बिगड़े कामों को बना दिया संवार दिया खुदा इस दी हुई खूबसूरत ज़िंदगी के लिए तेरा शुक्र हो हर एक बात के लिए उसकी शुक्रगुजारी करें ऐब के हालात बदल गए शुक्रगुज़ारी करने से वो कहता है तूने दिया तूने लिया तेरा ही नाम मुबारक हो शुक्रगुजारी करता है वो और उसको जितने उसकी औलाद उसकी औलाद से डबल औलाद उसको खुदा खुदा बाप ने मुहैया की उसके जो माल मवेशी थे वो दुगने हो गए और कलाम मुकदस में मरकूम है कि वैसा शख्स आज तक कोई इतना अमीर शख्स ज़मीन पर मौजूद नहीं है कि तूने 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 मेरे मेरे टाट मातम को नाच में बदल दिया मेरा टाट उतार डाला और मुझे खुशी से कमर बस्ता किया ताकि मेरी रूह तेरी मदा सराई करे और चुप ना रहे खुदा मेरे खुदा मैं हमेशा तेरा शुक्र करता रहूँगा हमेशा हमेशा उसका शुक्र अदा करना एक लम्हे के लिए नहीं चंद दिनों के लिए नहीं चंद महीनों के लिए नहीं बल्कि कब हमेशा जब आपको वक्त मिलता है खुद की शुक्रगुजारी कीजिए जब आपको वक्त मिलता है उसकी तारीफ़ कीजिए कि खुदम तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे इतनी ख़ूबसूरत इतनी अच्छी नौकरी दी उन तरह शुक्र हो कि मेरी सैलरी बहुत अच्छी है उसमें आपकी बॉस की कोई फोकियत नहीं है उसमें आपके बॉस की कोई एबिलिटी नहीं है खुदावन ही है जो उसके दिल में ये बात डालता है कि इस शख्स पर नज़र करके अपने काम के साथ फेथफुल है वफ़ादार है और फिर जो वो बॉस है वो आपको सैलरी देता है हमें नज़र आता है कि कहाँ हमें खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करनी है खुदा उनके मजबा के सामने उसकी शुक्रगुजारी करनी है जॉब पर खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करें घर में खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करें हर जगह खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करें सफ़र में जाते हैं खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करके निकलें कि खुदा उन शुक्र हो कि तूने मुझे सफ़र पर रवाना किया मेरे ख़ानदान में एक बड़ी खूबसूरती की बात यह है कि जब हम ट्रैवलिंग करने लगते हैं तो हम दुआ करते हैं हम शुक्रगुजारी करते हैं और जब हम उस सफ़र को अचीव कर लेते हैं तब भी हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा उन तेरा शुक्र हो कि तूने रास्ते भर में तमाम नागहानी आफात से बचाए रखा तेरा शुक्र हो सफर में खुदा की शुक्र गुजारी करें लोगों के सामने खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें लोगों के सामने खुदा उनकी शुक्रगुजारी करनी है दुआ में हिस्सा लेकर ख़ुदा उनकी शुक्रगुजारी करनी है उम्मतों के सामने गैर कौमों के सामने खुदा उनका शुक्र अदा करें कि खुदा तेरा शुक्र हो कि तूने मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम किए घर में शुक्रगुजारी की इबादत रखवा कर भी आप खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हैं सब बातों में शुक्रगुजारी करनी है कलाम मुकदस में पहला तस्लिकियों उसका पाँचवा बाप अठारहवीं आयम मरकूम है हर एक बात में शक्र करो क्योंकि यस्ु मसी में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है हर एक बात में खुदा उनकी शुक्रगुजारी करनी है ज़बूर पचास उसकी 14वीं आयत में कलूसियों दूसरे बाप सातवीं आयत में और हर आ, बाइबल मुकदस में जगह बजह आपको आयात मिलेंगी जिसमें शुक्रगुज़ारी का पहलू नज़र आता है खुदा खुदा के लिए शुक्रगुज़ारी की कर्बानियाँ गुजरानी हैंटों के जरिए दिलों के ज़रिए कलाम में मुकदस में है ईमान में मजबूत रहो और शुक्रगुजारी करो ईमान में मजबूत रहकर खुदा उनकी शुक्रगुजारी करनी है यसु के लिए शुक्रगुजारी करनी है जिसने हमारे लिए अपनी जान दी जिसने हमारा मेल खुदा बाप से करवा दिया और खुदा बाप का हमें फ़र्जंद बना दिया फर्जंद कहलाने का हक बख्शा इस बात के लिए ख़ुदा की शुक्रगुज़ारी करनी है हर एक बात के लिए ख़ुदा की शुक्रगुजारी करनी है हमें इस बात को अपने मद्देनज़र नज़र रखना है अपने अंदर उतार लेना है अमल करना है इस बात पर क्योंकि ख़ुदा ने हमें ये ज़िंदगी ये ख़ूबसूरत ज़िंदगी बख्शी है अगर इस ज़िंदगी के लिए दी हुई नेमतों के लिए ख़ुदा का शुक्र अदा करेंगे तो हमेशा जीते रहेंगे और हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होने वाले बनेंगे क्योंकि शुक्रगुज़ारी भी एक ऐसा स्टेप है जो हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होने के लिए है क्या ही भला है खुदा उनका शुक्र करना तो हम अपनी जिंदगियों में हर लम्हा ख़ुदा को बात कहें उसकी शुक्रगुजारी करें उससे मुंह ना मोड़ें ब्लैसिंगस को देख कर या जो ख़ुदांद हमें फैसिलिटीज मुहैया करता है उसको देख कर उससे भूल ना जाए बल्कि क्या करें उसकी शुक्रगुज़ारी करें इस कलाम के वसीला से आपको और मुझे बरकत बख्शे ताकि हम हमारा हमारी ज़िंदगी का हर लम्हा शुक्रगुजारी में गुजरे ताकि हम जो भी हमें वक्त मिलता है हम शुक्र अदा करें खुदावन हमें इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे अमें आए हम दुआ करेंगे खुदा ने जो हमारी जिंदगियों के लिए कलाम बख्शा जो हमें कलाम दिया ताकि हम इस कलाम को अपनी जिंदगियों पर अप्लाई कर सकें ताकि हम ये सोच सकें कि हमें किस तरह उस खुदा बाप की ज़ात का शुक्र अदा करना है आए हम चंद लम्हों के लिए अपनी आँखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे मसी में हमारे प्यारे आसमानी बाप खुदा तेरा शुक्र अदा हो कि खुदा तूने आज अपने बंदा को यानी मुझे खुदा यह शर्फ़ अता किया कि मैं तेरे कलाम को खुदा तेरे कलाम की अमीक बातों को गहरे भेदों को मुकाशफा को खुदा लोगों के साथ शेयर कर सकूँ खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं उन लोगों के लिए खुदा जो इस कलाम को देख रहे हैं जो इस कलाम को सुन रहे हैं खुदा खुदा मैं उन सबों के लिए बरकत चाहता हूँ चाहता हूँ कि उनकी ज़िंदगियों में शक्र गुज़ारियाँ बढ़ जाएँ खुदा बरक़ात से उनके घर भर जाए खुदा और उसके वजु खुद खुदा तेरा शुक्र अदा करने वाले बने और कहने वाले बने कि मेरी ज़िंदगी में खुदा ने बड़े बड़े काम किए मैं हर एक बात के लिए उसका शुक्र अदा करता हूँ मैं हर एक बात के लिए उसका शुक्र अदा करती हूँ खुदान हर एक की ज़ुबान पर तेरी शुक्रगुजारी हो हर शख्स तेरी तारीफ़ करे हर शख्स तेरे सामने झुके हर शख्स तेरे सामने सर सरबजूद हो हर शख्स का तेरे सामने सर खम हो जाए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करे खुदा खुदा तेरे तेरा अदा हो इस टेलीविजन के लिए किंग टेलीविजन के लिए खुदा जिस पर तूने आज खुदा मुझे मदाऊ किया ताकि मैं तेरा बंदा खुदा तेरे कलाम को पेश करने वाले बन सकूँ खुदा तेरे खादम बंदा पास्टर जॉन एडी के लिए खुदा तेरे शुक्र अदा करते हैं पास्टर रेचल जॉन के लिए खुदा तेरे शुक्र अदा करते हैं जि, जिनको खुदा ने ये मोटिव दिया खुदा ये इनिशिएटिव दिया खुदा ताकि वो तेरे लोगों तक तेरे कलाम को पहुँचाने वाले बन सकें खुदा ताकि वो खुदा ख़ादमीन के जरिए ख़मों के जरिए खुदा तेरे कलाम के अलग अलग अनवानों को मजमूनों को खुदा लोगों के साथ शेयर करने वाले बन सकें खुदा ब्लैसिंग्स को ख़ुदा उन लोगों के सामने शेयर।, शेयर करने वाले बन सकें क्योंकि तेरा कलाम ख़ुदा बरकतों से भरा है खुदा इसी के जरिए हम तेरी शुक्रगुजारी और तेरी तारी तारीफ़ करते हैं इस तो दिन के लिए इस वक्त के लिए इस लम्हे के लिए ख़ुदा इस घड़ी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमारी ज़िंदगी में ये वक्त बख्शा ये मौका बख्शा कि तू हम हमें यह मौका बख्शता है कि हम तेरी शिक्रगुज़ारी करें खुदा हमें आगे भी खुदा ऐसे मौाक़ फरहम कर ताकि हम तेरी तारीफ और तमजीद करते चले जाएँ ये दुआ तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदा यस्म मसीह के वसीला से मांगते हैं आमीन